हाय फ्रेंड्स, मैं सरुण जोसेफ फिशिंग ट्रेंड्स एंग्लिस हुक टीम का नया एक वीडियो में सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ एक नया वीडियो, फिश ट्रैप। घर में बैठे बैठे कैसे फिश ट्रैप हम बनाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हम एक नेट खरीदना पड़ेगा और नेट खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमसे 200 रुपये खर्चा होगा। और 200 रुपये खर्चा करो, अपना बैग भर भर के हमको मच्छी मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालाब या नदी में अपना फिश ट्रैप कैसे लगाना है और डे बाई डे हम अपना ये जो फिश ट्रैप हम लगाएंगे उसके अंदर क्या पासा है वो आपको देखना है ना। उसके लिए अपना चैनल आप सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल बटन है उसको क्लिक करना ताकि अपना नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाए। अब हम चलते अपना वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, चलो अभी हम शुरू कर लेते हैं। अभी हमको इसमें चाहिए ऐसे एक फ्लेक्सिबल वाला बम्बू। अगर ऐसे वाला मिलने से बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना जो बड़ा वाला बम्बू उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है, मतलब जो चाकू से काट काट के ना बिल्कुल एकदम पतला जैसे बना के हम ऐसे राउंड जैसे लेना और इसको राउंड करके हम कैसे बांध देंगे, क्या करना अभी हम आगे देखेंगे। देखो, ऐसे हम इसको राउंड में बिल्कुल एक राउंड राउंड करके बिल्कुल एकदम इसको बांधना है। बांध के बिल्कुल एकदम टाइट बांधना है ताकि उसको वो निकल ना जाए। वे नहीं निकलने के लिए हमने इसको बांधने के बाद सुपर ग्लो से, सुपर ग्लो गम में, ठीक है, वो सुपर ग्लो से हम इसको थोड़ा मजबूत बना देते हैं। इसको ऊपर थोड़ा सुपर ग्लू लगाने से हो जाएगा। ये मेरा बेटी है, ये हेल्प करने के लिए आया है। इसका नाम है कुंजाटा एक्नस। अब देखो देखो, ऐसे हमने बिल्कुल एकदम टाइट बांध के बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल ये जो बम्बू को ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है। ऐसे जो सर्कल बनाया हुआ हमारे पास 3 होना चाहिए, ओके। और हम देखो ये जो बना कर जो माउंट किया हुआ है उधर सुपर ग्लो से बिल्कुल एकदम चिपकाना है। देखो, अभी हम ऐसे सेम 3 रिंग बना कर रखा है, इसलिए बना कर रखा है कि आगे से और पीछे से मच्छी इसके अंदर घुसे और फंस जाए। अब हम चलते आगे की तरफ। देखो, हमको ट्रैप का लंबाई कितना चाहिए उस हिसाब में ऐसे बम्बू को काटना है। काट के बिल्कुल एकदम थोड़ा सा मजबूत वाला बम्बू को काट के बिल्कुल 8 पीस ऐसे बनाना है और अपना रिंग में कैसे माउंट करेंगे उसको वो हम दिखाएंगे अभी। अब आप देख लो, देखो हमने जो बना कर रखा है जो 3 रिंग का करेक्ट सेंटर टू सेंटर हमने जो हमने काट कर रखा था वही जो बम्बू हम बांध कर रखा है ऐसा सेम ऊपर और नीचे सेम हिसाब में हम ऐसे बांधना है। बिल्कुल एकदम मजबूत बांधना है और मजबूत बांधने के बाद उसके ऊपर सुपर ग्लो भी लगाने के लिए आप लोग भूलना नहीं, ठीक है। ऐसे हम बम्बू का 4 पीस बनाने के बाद ये जो 4 पीस के बीच बीच में हम फिर बाकी जो बम्बू को ऐसे बिल्कुल एकदम मजबूत बांध रहे हैं। टोटल कितना होगा, 1-4 हो गया। अभी 4 बांधा हमने, उसके बाद वो बाकी ये जो 4 के बीच बीच में हम लगा। अभी अपना जो फिश ट्रैप यहाँ तक हो गया ताकि अपना जॉब का वजह से थोड़ा बिजी हो गया था, आप लोगों को दिखा नहीं पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चिंता नहीं, आप लोगों को बता देंगे इसको कैसे इसी तरीके में बना सकते, कैसे इस पर माउंट करना है आपको मैं आसान तरीके में बता दूंगा, ठीक है। ये देखो, इधर से मच्छी घुसता है, ये दोनों साइड से देखा, इधर से मच्छी घुसेगा तो फिर बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अभी आप लोग ये सोचता होगा कि ये कैसे, ये इसके ऊपर कैसे माउंट किया,
इसे कैसे आ गया? हाँ, ये आपको मैं अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। पहले हम ये एक रस्सी लेके करेक्ट एक पॉइंट पे ये एक साइड लगा के बिल्कुल एकदम राउंड लेना है, बिल्कुल एकदम सेंटर से ऐसे राउंड लेना है। पूरा राउंड लेना नहीं, थोड़ा सा देखो, इतना वीडियो में जो दिख रहा है उतना हिसाब ले लो अपना एक रस्सी में, इतना हिसाब लेके फिर हमने क्या करना, ये जो हमने नाप कर रखा है ये जो रस्सी है उसका नाप छोड़ना नहीं, वैसे हाथ में रखे हमने जो लेकर रखा है जो नेट उसको उठा लो। अभी करेक्ट ये जो अपने जो नापा हुआ रस्सी का हिसाब किताब में सीधा अपने नेट को नापना है। करेक्ट वो नेट को ऐसे नापने का, वो नाप नेट ऐसे लंबाई में लेने के बाद करेक्ट आधा में फोल्ड करना है, ऐसे ही नीचे रख के बिल्कुल एकदम देखो ऐसे नीचे रख के, ऐसे नीचे रख के जो जहाँ पर हमने देखो मेरे हाथ देखा वहाँ, यहाँ से बिल्कुल लगता है इसे कौन जैसे हम काटना है इसको, जैसे कौन जैसे हम काटा है देखो, वहाँ से लेकर यहाँ तक हम कौन जैसे काटना है, काट के हम बिल्कुल यहाँ से लेकर वहाँ तक काटने के बाद वो जो काटा हुआ पीस है ना, जो जहाँ पर हम काटा है उस जगह हम सिलाई करना है। देखो वो जो सिलाई किया हुआ जगह है ये, ठीक है, और लास्ट में जो मच्छी घुसने का थोड़ा सा जगह आप रखना है, बस उसके बाद इसको ऊपर माउंट करो और ये पहले दोनों सेंटर में थोड़ा सा धागा बांधने और इधर ऐसे चारों साइड में हम बांधने, उसके बाद थोड़ा सा फिर ऐसे ऐसे खींच खींच के बिल्कुल एकदम टाइट ऐसे बांधना है। बांधने के बाद तो नीचे जो पीस जाएगा वो जो पीस हमने क्या करना, थोड़ा सा उसका एंड में बिल्कुल एकदम ऐसे ही स्ट्रेट रखने के लिए रस्सी एक हॉल में डाल के बिल्कुल एकदम खींच के थोड़ा सा आराम से थोड़ा खींच के ऊपर ये बम्बू में बांध कर देख, आपको दिखाई दे रहा है। अभी मेरा पास इतना नेट अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं इसको ऊपर माउंट करके वे डायरेक्ट वे सिलाई कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं जो जैसे बोला था वैसे करना, ठीक है। देखो ये मैं बिल्कुल एकदम हैंडमेड, हमारे पास सुई धागा सुई वगैरह कुछ है नहीं, बिल्कुल एकदम हाथ से मैं कर रहा हूँ। एक एक होल लेना ऐसे बिल्कुल एकदम बांध के रहना, जिसको बांधने के नहीं जानता ये देख लो। अब हम दोस्तों अभी हम ये जो नेट है, हम जो इसको ऊपर जो डाल बांधने वाला जो नेट है वो जो अपना जो ट्रैप कैसे नीचे लटा के जो बम्बू को ऊपर ऐसे चार होल छोड़ कर हम ऐसे बांधना है, ठीक है, सिलाई करना है, मतलब तो सिलाई करना है बिल्कुल एकदम क्या बोलता है, इतना मजबूत बांधने की जरूरत है, बिल्कुल एकदम थोड़ा आराम से बांध कर रखना है, ठीक है। देखो ऐसे बांधना है, ये तो आपको पता होगा कैसे इसको ऊपर यहाँ पर सिलाई करो और इसको सीधा राउंड ले लो और यहाँ पर आकर फिर उसको दोबारा फिर सिलाई करके रखना है। भाई अगर आप लोगों को ये जो नेट अभी मैं जो बांध रहा ये जो नेट है आपको अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका साइड में जो नेट मिल रहा है उसी नेट इसके ऊपर बांध लो, ठीक है। थोड़ा ना ये थोड़ा मजबूत है ताकि केकड़ा वगैरह आ गया तो इसको काटने के लिए थोड़ा काट के निकलने के लिए थोड़ा सा चांस कम है, इसीलिए मैं थोड़ा मजबूत वाला ये वाला बांधा है। आपको हर जगह पर तो मिल सकता अवेलेबल है ये तो। फिर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अपना चैनल में जो पहली बार जो देख रहा है वो सब्सक्राइब करने के लिए भूलना है नहीं, और लाइक करना और शेयर करने के लिए भी भूलना है नहीं। देखो अपना ये जो ट्रैप है उसका जो लास्ट एंडिंग टाइम एंडिंग में हम पहुंच गया, जो कि इसको कैसे सिलाई करना है, मतलब ऊपर का कैसे सिलाई करना है आपको बताता हूँ। ये देखो ऐसे ही देखा ऐसे बांधना है, ऐसे बिल्कुल एकदम इसको लॉक करके ये जो राउंड पूरा लॉक करना है, अपने ऊपर जो बांधा ना उसको राउंड पूरा लॉक करना है। कैसे लॉक करना है आपको मैं ये दिखा देता हूँ।
ये हमने जो पहले जो बांध के रखा है इसको ओपन जो एंट्रेंस में और अभी जो बांध रहे ये जो दोनों जगह हमने ऐसे बांध रखा तो बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाएगा। देख पहले हम ऊपर से एक दो होल का अंदर डाल के फिर अंदर वाला एक होल से अंदर वाले होल में डाल के इस साइड से हम निकालना है। थोड़ा दबा दो और इस साइड से ऐसे निकालना है ठीक है, ताकि देख उस टाइम एक दो जो हमने जो बांध रखा थोड़ा लूज हो जाए, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। ये देख उसके बाद इसके अंदर से हम ये जो रस्सी का इसे लेकर खींचना है। देखो ऐसे खींचना है, ऐसे खींचो, ऐसे टेढ़ा करके खींचना है, टेढ़ा करके ऐसे खींच लो। देखो ऐसे टेढ़ा करके खींच के फिर इस साइड में हम खींच के इस साइड में बांधना है इसे। देख किस कैसे बांधना है, ऐसे हम पूरा राउंड बिल्कुल एकदम उसको लॉक करना है ताकि इसके अंदर कोई भी छोटा मच्छी भी फंसेगा तो इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप लोग इतना कोशिश करना, हमारा जो इस फिश ट्रैप का फिश ट्रैप का अंदर जो भी मच्छी फंसेगा आप लोग को बड़ा मच्छी लेने के लिए कोशिश करना, बाकी जितना छोटा मच्छी है उसको छोड़ने के छोड़ देना, उसको रिलीज करना। अभी देखो अपना काम तो पूरा हो ही गई, अभी आपको हम बता देंगे अभी इसका। और एक दोस्त मैं बताता हूँ को, हम अभी इसको अगर पानी में डालेंगे अपना ये जो स्टॉप को अगर पानी में डालेंगे तो ये ऊपर ही उठेगा ठीक है, ये नीचे नहीं जाएगा। हम बिल्कुल एकदम हल्का बना रहा हूँ ताकि आपको इसको अपने एक अंगुली में पकड़ के कहीं भी लेके जाए ठीक है। हम इसको वेट के लिए क्या डालेंगे, दोनों जो एंट्रेंस है उधर दो पत्थर डालना, अपना नेट को कुछ नहीं होगा, दो पत्थर डालना उसको वेट के लिए, दो पत्थर डालेगा तब ये पानी का नीचे जाएगा। बनाने के बाद फिर आप लोग मुझे गाली नहीं देना यार, ये बस बना दिया फिर ये ऊपर उठ गया, ऐसे बोलना नहीं ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बनाने के बाद हम इसको पत्थर डाल के हम पानी में डालना। अगर आप पत्थर नहीं डालना चाहता है तो एक काम करना, कुछ नहीं करना, आप जो रिंग बना कर रखा है जो तीन रिंग है वो तीन रिंग आप बिल्कुल एकदम सरिया का बनाइए और ऐसे माउंट करिए और आप पत्थर डालने की जरूरत नहीं, अपना आप नीचे जाएगा ओके। अभी अपना पूरा काम हो रखा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से हमने बनाया, ये देख लो अभी आप लोगों को बिल्कुल एकदम यूज हो जाएगा ये। आप लोग ये पक्का बनाना और ट्राई करना और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं और शेयर करने के लिए भूलना नहीं। ये देखो अपना फिश ट्रैप, और फिर आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ ये जो फिश ट्रैप हम कहाँ डालेंगे कैसे डालेंगे, इसके अंदर जो फंसने वाला मच्छी आपको देखना है ना वो हम डे बाय डे आपको अपडेट करते रहूँगा। इसलिए अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग भूलना नहीं और शेयर करने के लिए भूलना, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है आप लोग मिस नहीं करना। हम इसको कैसे मच्छी पकड़ते हैं डेली कौन क्या क्या इसके अंदर फंस जाता है आपको भी देखना है ना, तो चलो हमारा साथ हम अभी मच्छी पकड़ कर दिखाएंगे इसी में अपना फिश ट्रैप। हाय फ्रेंड्स, अभी अपना ये वीडियो सबको अच्छा लगा है ना, अगर अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करने के लिए कोई भूलना नहीं और शेयर करने के लिए भी भूलना नहीं। हम जो ये जो फिशिंग ट्रैप जो बनाया है वो हम नदी में डालेंगे और एक दिन के बाद हम उठा के देख लेंगे, उठा के देखते टाइम उसके अंदर है क्या है, मच्छी है या क्या है, क्या चीज़ है उसके अंदर फंसा हुआ है वो भी आपको देखना पड़ेगा ना, इसके अंदर जो सक्सेस है कि नहीं वो भी आपको पता करना है ना। तो आप लोग अपना चैनल के पीछे आना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल बटन भी दबाना है ताकि मैं जो डेली आपको जो वीडियो डालूँगा आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में